स्टूडेंट डिजाइन एनालिसिस आप बिल्कुल करते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने जो है इसके ऊपर जो है मैंने वीडियोज बनाए रखे हैं कई सारे, ठीक है। अभी मैं इस सीरीज में जो है एमसीक्यू कवर करूंगा आपका अड्डा का। तो एमसीक्यू आपका बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल का नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें इतना टिपिकल नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके नेट सेट या TGT PGT में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको देखिए और समझिए क्या होता है, आपका बेसिक क्या हो, ठीक है। तो हर सीरीज में लगभग 15 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लगभग मैंने 15 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो इस तरह से और भी आगे वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आगे आपको और भी वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रनिंग मस्ट सॉर्ट ऑन एन एरे ऑफ साइज एन विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि मस्ट सॉर्ट है, ठीक है, एक आपका एन साइज का आपका एरे है जो ऑलरेडी सॉर्ट है, ठीक है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगना है। तो ऐसे सिनारियों में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो आपका जो मस्ट सॉर्ट का वो आपका एन लॉग एन लगता है, ठीक है। एन लॉग एन आपका ऐसा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अगर आप डा के वीडियो पे क्लिक करके डा देख रहे हो, अगर आपको नहीं मालूम है मर साठ क्या होता है, क्विक साठ क्या होता है, तो एक काम करो, अपने मोहल्ले में जो सबसे गंदा नाला है उसमें जाके डूब के मर जाओ, ठीक है। क्योंकि पहले इसके अगर इसको नहीं मालूम है जाके पहले मर साठ और क्विक साठ सब इन सबका वीडियो देख लो, तो उसके बाद ही आप इसको देखो। मैं ऑलरेडी मैं इसको अपने प्ले लिस्ट में मैंने इसको अपलोड करके रखा हुआ, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कंपेरिजन सॉर्ट, ठीक है। नॉन कंपेरिजन मतलब ऐसा कौन सी सॉर्ट होगा जिसे कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपका काउंटिंग सॉर्ट आपका नॉन कंपेरिजन है, ठीक है। बकेट सॉर्ट भी आपका नॉन कंपेरिजन है। रेडिक सॉर्ट आपका जो है ये आपका जो है वो ये इसमें कंपेरिजन होता है, ठीक है। और ये आपका सेल सॉर्ट जो होता है वो आपका भी आपका वो नॉन कंपेरिजन होता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका रेडिक सॉर्ट होगा। रेडिक सॉर्ट में जो होता है आपका जो है वो कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किस बेस पे करते हैं, रेडिक सॉर्ट में जो है जैसे आपको मान लो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, मतलब कई सारे वो नंबर है, मान लो इस तरह 443 इस तरह से नंबर है, तो कंपेयर करते पहले यूनिट डिजिट का कंपेयर करते हैं, फिर आपका 10th डिजिट का 100 डिजिट वाला नंबर कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है कंपेरिजन करके सॉर्टिंग करती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडिक सॉर्ट होता है जो आपका जो है वो नॉन कंपेरिजन एल्गोरिथम नहीं होता, ठीक है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप हीप सॉर्ट इन द वर्स्ट केस, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हीप सॉर्ट की जो वर्स्ट केस में होती है वो आपका होता है आपका एन लॉग एन, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी वर्स्ट केस में हीप सॉर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ गिवन एरे इज सॉर्टेड और नियर बाई सॉर्टेड विच आर द फॉलोइंग एल्गोरिथम गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम जो अगर मतलब एरे ऑलरेडी सॉर्ट है और या अबाउट टू सॉर्ट, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नहीं सॉर्ट हैं बाकी सारे सॉर्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनारियों में जो सबसे बेस्ट काम करता है वो काम करता है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। ये बहुत बार जो है आपका नेट के एग्जाम में पूछा चुका है, नेट से TGT PGT एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बबल सॉर्ट इन द बेस्ट केस, तो बबल सॉर्ट का बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी होती है वो होता है एन, क्योंकि बबल सॉर्ट में अगर सब कुछ ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जो केवल कंपेयर करना रहता है, एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण जो है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपका एन होती है, ठीक है। गिवन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेंज जीरो n पावर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन सॉर्ट देम इन big O n time, ठीक है। big O n time में कौन सा एल्गोरिथम है जो सॉर्ट कर देगा, तो वो सॉर्ट करता है रेडिक सॉर्ट। रेडिक क्योंकि रेडिक सॉर्ट आपका जो है वो जनरली यूनिट डिजिट 100 डिजिट करके ही सॉर्ट करता है, तो ये आपका जो है वो n time में ही आपका वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम है लोवेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा सबसे लोवेस्ट होता है। देखो इंसर्शन का जो होता है वो आपका इंसर्शन का जो आपका होता है वो आपका होता है एन स्क्वायर, ठीक है, वर्स्ट केस में, ठीक है। सिलेक्शन का भी आपका जो होता है एन स्क्वायर होता है। क्विक सॉर्ट का भी आपका एन स्क्वायर, मतलब बिग ओ एन स्क्वायर आपका होता है बिग ओ एन स्क्वायर। और जो हीप सॉर्ट का ऑलरेडी मैंने हीप सॉर्ट का बताया था, हीप सॉर्ट का क्या होता है आपका वो बिग ओ एन लॉग एन होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो डी वाला होगा, हीप सॉर्ट का सबसे ज्यादा लोवेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म नंबर ऑफ कंपेरिजन बिटवीन इनपुट एलिमेंट, ठीक है। दो मैंने बताया था, काउंटिंग सॉर्ट जो होता है वो आपका नॉन कंपेरिजन होता है, ठीक है, कोई कंपेयर नहीं करता। तो जब भी कंपेयर ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, जीरो, जीरो कंपेरिजन ही कर रहा, ठीक है, मतलब कोई भी कंपेयर नहीं, काउंटिंग सॉर्ट आपका कंपेरिजन बेस पे नहीं होता, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉर्ट का, तो वो आपका होता है बिगो एन टाइम लगता है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, मतलब क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में कौन से डिजाइन टेक्निक एल्गोरिथम यूज किया जाता है, तो वो आपका जो होता है क्विक सॉर्ट जो बेस होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर ऑलरेडी आपने क्विक सॉर्ट में बताया हुआ, क्विक सॉर्ट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे होता है। देखो मर्ज सॉर्ट यूज, ये भी मर्ज सॉर्ट भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करता है। तो बाइनरी सर्च ट्री, मर्ज सॉर्ट, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके डिवाइड एंड कॉन्कर खुद ही होते हैं, ठीक है। इन अ बाइनरी मैक्स हीप कंटेनिंग एन नंबर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम, ठीक है, मतलब मैक्स हीप है, मैक्स हीप मतलब जो होता है लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा, रूट पे होगा, ठीक है। तो ऐसे सिनारियों में जो हमारा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है वो हमारा हमारा लगता है आपका एन टाइम, ठीक है, क्योंकि मैक्स हीप, अगर ये मीन हीप होता है तो ये हमारा केवल वन टाइम लगता है, क्योंकि हमको डायरेक्टली रूट पे, तो रूट पे हमारा क्या है, बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है, मतलब रूट हमेशा बड़ा होगा, पेरेंट हमेशा जो है जो हमारे उसके चाइल्ड होंगे जो है वो हमारे रूट से छोटे होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हमको ये ट्रैवर्स करते हुए नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे हमको हमको मिलेगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर यही हमसे पूछा जाता है कि मैक्स हीप है और सबसे हमसे लार्जेस्ट एलिमेंट हमको फाइंड करना, तो हमको रूट पे ही मिल जाता, पहले बार में ही मिल जाता, तो ऐसे सिनेरियो में हमारा जो है वो वन टाइम लगता है। लेकिन हमारे ये उल्टा पूछा जा रहा है, मैक्स है मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पे है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा जो है लीफ नोड पे है, तो नीचे आना पड़ेगा हमको, तो ऐसे सिनेरियो में हमको जो है वो आपका एंड टाइम लगने वाला है, ठीक है। एल्गोरिथम फ्रॉम द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक विच वन इज यूज टू फाइंड ऑल पेयर ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस इन अ ग्राफ, ठीक है, कौन सा ऐसा होता है जो किसी एक ग्राफ में ऑल पेयर ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब हर नोड से हर नोड पे जाने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने वाला एल्गोरिथम जो है किस एल्गोरिथम डिजाइन में होता है, वो आपने देखा था आपका वो डायनेमिक जो है प्रोग्रामिंग होता है, जहाँ पर फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम हमने देखा था, जहाँ पर हम देखा था कि सारे पेयर में जो है हमको शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए देखा था। तो फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम हमारा था वो किस टेक्निक में था, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में था, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग था। By using which method sorting is not a possible, किस मेथड के साथ sorting possible है, तो insertion हमने देखा था, insertion sort insert करते करते भी हम जो आपका sort कर सकते हैं, selection sort हमने already देखा हुआ, select करके हम जो है वो कर सकते हैं, deletion का भी हम तो delete करके हम कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। exchange already हमने देखा था, बहुत सारे algorithm exchange करते हैं, heap में exchange करते हैं, bubble में exchange करते हैं, तो exchange करके तो ही कर सकते हैं, तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा deletion के थ्रू जो है कोई पॉसिबल नहीं है कि हम ये sorting कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग sorting algorithm विच हैज द लोएस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, किसका जो है लोएस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ मर्ज सॉर्ट ही है, बाकी सबका जो है वो आपका एन स्क्वायर टाइम लगता है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट आपका जो है लोएस्ट होता है, बाकी सबका जो है आपका एन स्क्वायर टाइम लगता है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और आगे के वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्विज के साथ, ठीक है, एमसीक्यू के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।